गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल आइडियल एकेडमी बरवाला बाय नरेश पुनिया। तो आज नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, लॉस्ट सफरिंग बाय एनेज जंग। लॉस्ट सफरिंग बाय एनेज जंग। एनेज जंग इज द फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया। एनेजन है जो भारत की प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक है। इसके अंदर दो पार्ट हैं जो वो उनका वर्णन किया गया है। इसमें टू पार्ट्स, ये जो चैप्टर है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड बता देता हूं। लॉस्ट सफरिंग में एनेजन है जो गरीब बच्चों के जीवन के बारे में बता रही है। तो इसमें एक पार्ट है जो उसमें साहिब नाम का लड़का है। साहिब, ही इज ए रैग पिकर। ये एक कूड़ा बीनने वाला है, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाला है। इनको कभी भी स्कूल नहीं भेजा गया, वो सारा दिन ऐसे ही घूमते रहते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए रहते हैं। तो एनेजंग है जो इनकी स्थिति के बारे में वर्णन करती है। एनेजंग साहिब से पूछती है कि भाई तुम स्कूल में क्यों नहीं जाते। तो एनेजंग अनुमान लगाती है कि उनके माता पिता हैं जो इतने गरीब हैं कि उनको पैसे नहीं दे सकते, स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, और ये सारा दिन नंगे पाँव यानी विदाउट फुटवियर घूमते रहते हैं। तो लेखिका है जो उससे अनुमान लगाती है कि एक तो ये बहुत ही गरीब हैं इसलिए घूमते हैं, या फिर ये सोचती है कि या इनके बीच में एक ट्रेडिशन है रैग पिकर्स के बीच में कि वे नंगे पाँव ही घूमा जाए। तो इनकी स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा जो वर्णन किया गया है वो किया गया है हमारे जो बैंगल मेकर है उनके बारे में वर्णन किया गया है। और एक क्वेश्चन आता है इसमें एनेजंग वाले में, साहिब वाले में, वेयर डिड साहिब नाउ एंड ही हैज कम फ्रॉम, वो अब कहां पे हैं और कहां से वो आए थे। तो साहिब बिलोंग्स टू बांग्लादेश, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड लिव इन सीमापुरी न्यू दिल्ली। एंड सेकंड जो पार्ट है वो हमारा रिलेटेड है बैंगल मेकर से। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो हमारा है मुकेश। मुकेश नाम का जो लड़का है वो फिरोजाबाद का रहने वाला है और इनके जो पूरे परिवार हैं वो चूड़ियां बनाने के काम में लगे हुए हैं। तो इसमें इनकी भी गरीबी की स्थिति है, उसके बारे में वर्णन किया गया। देखिए आज इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सारा यही रहेगा। तो एनेजंग इज वन ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया। एनेजंग है जो भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका है। इन दिस लेसन, इस अध्याय में, सी डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब होता है वर्णन करना, पुअर एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। पुअर एंड पैथेटिक, पैथेटिक होता है दयनीय कंडीशन, दशा जो लेखिका है वो बच्चों की गरीबी और जो दयनीय दशा है उसका वर्णन करती है। किन बच्चों की? हु हैव टू लिव इन स्लम। स्लम जो होता है गंदी बस्तियां, जो गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं उनके। दे आर नेवर सेंट टू स्कूल, उन्हें कभी भी स्कूल नहीं भेजा गया। बिकॉज, क्योंकि देयर पेरेंट्स आर टू पुअर। टू, टू वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर नेगेटिव सेंस। टू पुअर टू पे फॉर देयर एजुकेशन, कि भी उनके माता पिता हैं जो इतने गरीब हैं कि उनकी शिक्षा के लिए पैसे नहीं दे सकते। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब देयर फेट, उनके भाग्य का वर्णन करने के लिए द राइटर फर्स्ट टेक अप ए रैग पिकर। रैग कूड़ा करकट और पिकर उठाने वाला, तो कूड़ा करकट उठाने वाला है जो उसके भाग्य के बारे में वर्णन करती है सबसे पहले, जिसका नाम क्या है? साहिब। सी आस्क साहिब, वो साहिब से पूछती है व्हाई ही डजंट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल आरंभ करूं, विल यू गो, तो क्या तुम जाओगे। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ही आस्क, साहिब पूछता है, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। लेखिका से पूछता है वो। द राइटर हैज टू फील स्मॉल, लेखिका है जो उसको शर्म महसूस होती है क्योंकि उसने झूठा वादा कर दिया था, वैसे ही कह दिया था कि मैं स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। देन सी टेक्स अप द केस ऑफ पुअर बैंगल मेकर्स,
फिर वो एक गरीब चूड़ियां बनाने वाले हैं जो उनका केस लेते हैं, हु हैव बीन लिविंग इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद, जो कहां पे रहते हैं भाई, फिरोजाबाद के अंदर रहते हैं। इट इज अ डर्टी टाउन, ये एक गंदा सा नगर है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये इसकी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक जो परिवार है वो चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। इंगेज्ड, इंगेज्ड का मतलब क्या होता है, लगे होना। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, सेंटर केंद्र हो गया, इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत के कांच के उद्योगों का केंद्र बिंदु है कौन, फिरोजाबाद। क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आएगा ये। व्हाई डिड फिरोजाबाद सो फेमस, फिरोजाबाद है जो फेमस किसके लिए है, इसके कांच के कामों के लिए ही, चूड़ियों के लिए। द बैंगल मेकर्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड होता है शोषण करना, बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। दे वॉन्ट टू लीव ए रेपुटेटेड लाइफ, वो एक सम्मान से भरा जीवन जीना चाहते हैं। बट देयर पॉवर्टी, पॉवर्टी होता है गरीबी, कैन नॉट गिव देम ए वे फॉर दिस, परंतु जो ये गरीबी है उनको कोई भी रास्ता प्रदान नहीं करती। द स्टोरी ऑफ स्विता इज ऑल्सो प्रूव इट, द स्टोरी ऑफ स्विता इज ऑल्सो प्रूव इट, वो भी इस चीज को सिद्ध करती है जो स्विता की कहानी है। स्विता क्या है, एक ओल्ड लेडी के पास बैठी हुई है और वो इन चूड़ियों के बारे में पूछती है, तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि ये सुहागिन का प्रतीक है इंडिया के अंदर। दोबारा से देख लीजिए एक बार। एनिस जंग इज वन ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया, एनिस जंग है जो भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका है। इन दिस लेसन, इस अध्याय में, सी डिस्क्राइब्स पुअर एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, वो बच्चों की गरीबी और दयनीय दशा का वर्णन करती है। हु हैव टू लिव इन स्लम्स, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं। दे वर नेवर सेंट टू स्कूल, उन्हें कभी भी स्कूल नहीं भेजा गया, बिकॉज देयर पेरेंट्स आर टू पुअर टू पे फॉर देयर एजुकेशन, क्योंकि उनके माता पिता है जो इतने गरीब हैं कि उनकी शिक्षा के लिए पैसे नहीं चुका सकते। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब देयर फेट, इनके भाग्य का वर्णन करने के लिए, सी टेक्स अप, सी फर्स्ट टेक्स अप द केस ऑफ ए रैग पिकर, सबसे पहले है जो वो एक गरीब जो कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले हैं उनका केस लेती है, उनके भाग्य का वर्णन करती है, जिसका नाम क्या है, साहेब। सी आस्क्ड साहेब्स, वो साहेब से पूछती है, व्हाई ही डजंट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। ए व्हाई स्टार्ट अ स्कूल विल यू गो, यदि मैं एक स्कूल आरंभ करूं तो क्या तुम जाओगे। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ही आस्क, वह पूछता है, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। द राइटर हैज टू फील स्मॉल, लेखिका है जो उसको शर्म महसूस होती है। Then she takes up the case of poor bangle makers, फिर वो गरीब चूड़ियां बनाने वाले हैं जो उनका केस लेती है। Who have been living in the town of फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद नगर के अंदर रहते हैं। It is a dirty town, ये गंदा सा नगर है। It is famous for its bangles, ये अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। Every other family is engaged in making bangles, प्रत्येक जो परिवार है वो चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। It is the center of India's glass blowing industry, ये भारत के उद्योगों का केंद्र बिंदु, कांच के उद्योगों का केंद्र बिंदु है। The bangle makers have been exploited by all section of society, समाज के सभी वर्गों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। They want to live a reputed life, वो एक सम्मान से भरा जीवन जीना चाहते हैं। But their poverty cannot give them a way for this, परंतु जो उनकी गरीबी है उसके लिए कोई रास्ता उनको प्रदान नहीं करती। द स्टोरी ऑफ स्विता इज ऑल्सो प्रोवेट, स्विता की जो कहानी है वो इस चीज को सीधे करती है। कई क्वेश्चन है जो इसमें से छोटे क्वेश्चन भी इसमें से निकल कर आते हैं, और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो है हाउ डिड फिरोजाबाद फेमस, एक है वेयर डिड साहेब नाउ एंड वेयर डिड ही हैज कम, वेयर ही हैज कम फ्रॉम, वो कहां से आए हैं। एक है इसके अंदर क्वेश्चन नाउ साहेब इज वर्किंग ऑन अ टेक्सटाइल, ही वाज हैप्पी और नॉट। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्म्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। ये चार पांच क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। लॉस्ट सफरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर एनी जंग है जो बच्चों की गरीबी की स्थिति है उससे उनको बाहर निकालने के लिए बात करती है। थैंक यू वेरी मच, अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।